ऐसे कम ही मौके होते हैं जब गोदी मीडिया के एंकर सवाल भाजपा प्रवक्ताओं से करते हैं। आज हम गोदी मीडिया की कुछ ऐसी डिबेट्स देखेंगे जिनमें मीडिया एंकर भाजपा प्रवक्ता को उनके जवाब पर टोकते नजर आए। आज तक पर पेगासस स्पाईवेयर के मुद्दे को लेकर एक डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर अंजना ने भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा से कुछ सवाल किए जिस पर संबित विपक्ष पर ही निशाना साधते नजर आए, पर एंकर ने उन्हें ऐसा करने से रोका और सही से जवाब देने को कहा। जिन्होंने ये रिलीज किया है वो खुद ही कहते हैं ये पॉसिबल हो सकता है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं हो सकता है। जब ये खुद ही नहीं मान रहे हैं तो मैं क्यों मानूं यहाँ पर? फिर इस डेटा को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? काल्पनिक कहानी है ये जो डेटा लीक है, इस डेटा को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? क्योंकि इसमें तो अब खबर ये भी आ रही है कि आपके जो मौजूदा संचार मंत्री हैं उनका भी नाम है। तो राहुल गांधी का फोन आप लोग क्लोन नहीं करा रहे थे, आप हैक नहीं करा रहे थे? देखिए ये डेटा नहीं है, जो मैंने आपको कहा ये वायर ने लिखा है। ये वायर खुद कहती है जिन्होंने ये डेटा भारतवर्ष में रिलीज किया है, क्योंकि जो इंटरनेशनल कंसोर्टियम मैं समझ गई, बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया हाउस उसमें पार्टनर है। संबित जी, मेरा सवाल इससे आगे का है। पार्टनर मेरा सवाल इससे आगे का है। संचार मंत्री ने देश की सदन में कहा कि ये जो डेटा लीक डेटा है उसका जासूसी से कोई वास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, ये जासूसी के लिए नहीं हो रहा था। तो ये डेटा क्या है इन लोगों का? इनके ऊपर तो ऐसे ही जासूसी हो जाएगी, कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खेरा जासूसी कर देगा इनके ऊपर। तो ये बातें सब ऐरा गहरा नत्थु खेरा वाले जासूसी कैसे होती है सर? मैं बताता हूँ। जी न्यूज पर सरकार द्वारा ऑक्सीजन पर दिए बयान को लेकर एक डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर भाजपा प्रवक्ता से सही आंकड़े पूछती नजर आई, पर प्रवक्ता राज्य सरकारों पर दोष लगाते नजर आए जिस पर एंकर ने उन्हें टोक दिया। ये मेरे सवाल का जवाब, ये राजनीतिक मंच नहीं है सर। आपने केंद्र सरकार ने अपना जवाब दिया, राज्य मंत्री स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने अपना जवाब दिया। मेरा सीधा सवाल है आपसे कि क्या आपको ये लगता है कि ऑक्सीजन की कमी से देश में एक मौत नहीं हुई? केंद्र सरकार का इसके अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं थी, आंकड़े राज्य सरकारें दे रही थी। क्या कह रहे हैं मनोज जी, क्या कह रहे हैं आप? समझ रहे हैं ना आप क्या कह रहे हैं? आप अपना दायित्व भी भूल गए। आप ये बता रहे हैं कि केंद्र सरकार का कोई दायित्व नहीं है, लेकिन ये मैंने शुरुआत में, सुनिए मनोज जी मेरी बात सुनिए, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और मैं ऐसे इस पर आप लोगों को अपना बखान तो करने दूंगी नहीं। आप मेरी बात सुनिए, आप ये कह रहे हैं केंद्र सरकार होने के नाते आप ये कह रहे हैं कि भाई राज्य का फर्ज होता है वो डेटा दे दे, हमारा फर्ज होता है उसको पब्लिश कर दे। वाकई व्यवस्था है, उसी व्यवस्था के तहत आप चलेंगे या कुछ आप कर क्या रहे थे? आज तक पर महंगाई के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने महंगाई पर राहत देने को लेकर सवाल भाजपा प्रवक्ता से किया जिस पर नेता आंकड़े गिनाने लगे, पर एंकर ने उन्हें यहाँ पर टोक दिया और आम जनता को राहत कब मिलेगी इस पर जवाब देने को कहा। और शासक पक्ष को जवाब जो देश नंबर वन था वैक्सीन देने में वो पिछड़ क्यों गया सैयद जफर इस्लाम साहब? क्योंकि आपके पास तो हमेशा आंकड़े तैयार रहते हैं जो रोजमर्रा के काम आता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट जिससे सारी कीमतें जुड़ी होती है, फ्रूट पल्सेस जो आम तौर पर चीजें हैं वो इतना ज्यादा बोझ डाल रही है आम आदमी पर कि उसका जीना मुहाल हो गया है। एक तरफ तो जॉब लॉसेस हो रहे हैं, सैलरी कट्स हो रही है, दूसरी तरफ इतनी ज्यादा महंगाई। वो जो है वो इनको ये समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के पास गैस ऑयल नहीं है, तो अगर ऑयल नहीं है तो जाहिर है हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, और इंपोर्ट करना पड़ता है तो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस उस पर करना पड़ता है, और जो खासकर जो प्रोड्यूसिंग कंट्री है ओपेक जो है उसने प्रोडक्शन बढ़ाया नहीं, सऊदी अरब ने बढ़ाया नहीं, तो बड़ा फर्क है। तो इस डिस्ट्रप्शन को ठीक करने के लिए सैयद जफर साहब, इस डिस्ट्रप्शन को ठीक करने के लिए न्यूजर्क रिएक्शन की भी जरूरत है। आम समय नहीं है इसको, आप 2013 से 2011 से और 2014 जिसके पहले आपकी सरकार नहीं थी उससे कंपेयर नहीं कर सकते। जी न्यूज पर भी पेगासस फाइबर के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने भाजपा प्रवक्ता से उनकी पार्टी का पक्ष सही से रखने को कहा जिस पर भाजपा प्रवक्ता बात को गोल गोल घुमाने लगे, पर एंकर ने उन्हें उन्हीं के सवालों का जवाब देने को कहा। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है, लोकतंत्र के बजाय जासूसी तंत्र चला रही है सरकार शक्ति सिंह गोहिल। क्योंकि हर कोई जानता है किस तरह से भारत मजबूत हो रहा है, इसलिए ऐसी बेबुनियाद एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस तरह की बात की जा रही है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं गौरव, फिर हाँ जरूर। तो एनएसओ का क्लाइंट नहीं है भारत और भारत ने पेगासस स्पाईवेयर नहीं लिया? भारत कानून से चलने वाला देश है अमन जी, और यहाँ पे नियम अनुसार होती है। फिर से सवाल, एनएसओ का क्लाइंट नहीं है इंडिया और पेगासस स्पाईवेयर इंडिया ने नहीं लिया है, मैं ये कह सकता हूँ? नहीं, आप बिल्कुल कह सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते हमारे पास ऐसी एजेंसीज हैं जिनके पास हर तरीके से वो साधन है। अक्रॉस पार्टी लाइन ये सवाल पूछा जा रहा है,
तो आप क्लियर कर दीजिए। मैं शायद आठवीं बार यह सवाल पूछ रहा हूँ। एनएसओ का क्लाइंट नहीं है इंडिया। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी मीडिया एंकर ऐसे ही डिबेट्स में जरूरी मुद्दों पर भाजपा प्रवक्ताओं को उनके गलत बयानों पर टोकते रहें और तीखे सवाल भी करें। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।